के अवसर पर मैं आरणी बंदोपाध्याय आपको प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। मुंशी प्रेमचंद, यह नाम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने नहीं सुना। जी हाँ, प्रेमचंद जी ऐसे ही महान लेखक थे जिनके बिना हिंदी साहित्य कुछ अधूरा सा रह जाता है। श्री धनपत राय श्रीवास्तव का उपनाम था मुंशी प्रेमचंद। उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 में लम्ही बनारस में हुआ था। उनकी माता आनंदी देवी व पिता मुंशी अजय राय जी थे। उपन्यास क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट के नाम से संबोधित किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। वे अपना आखिरी उपन्यास मंगल सूत्र पूरा न कर सके और 8 अक्टूबर सन 1936 में बनारस में उनका देहांत हो गया। उनका यह आखिरी उपन्यास उनके पुत्र अमृत जी ने पूरा किया। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने हमें बोरी भर का उपन्यास दान कर हिंदी साहित्य को आज भी जागृत बनाए रखा है। मेरा उनके लिए कोटि कोटि प्रणाम है। धन्यवाद। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर पर हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मुंशी जी के चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धा के जो सुमन अपनी चित्रकला के जरिए अर्पित किए हैं वो आप सबके सामने हैं और साथ में कुछ कविता पाठ। हिंदी साहित्य में है इनका बहुत बड़ा योगदान। नाम है मुंशी प्रेमचंद, व्यक्तित्व था उनका महान। कविता लेख कहानी उपन्यास हर विधा को अपनाया। उस समय के समाज का हमें आईना दिखलाया। मानव मन के हर भाव को बखूबी से चित्राया। पशुओं के माध्यम से आज़ादी का अर्थ हमें समझाया। उन्होंने अपने साहित्य से समाज सुधार राष्ट्रीय भावनाओं को था जगाया। गरीब जनता शोषित किसान उपेक्षित नारियों को उन्होंने दर्शाया। उनके जैसा साहित्यकार सदियों में लेता है एक बार जन्म। मुंशी जी जैसे कलम के धनी को मेरा शत शत नमन, मेरा शत शत नमन। लम्हे की माता आनंदी की कोप से जन्मा एक रतन, गोरखपुर जिसकी कर्म भूमि थी कहलाया। वह उपन्यास सम्राट सोच वतन जो उसने रची, डर गए अंग्रेज उस विद्रोही को कहां जाने लगा। कलम पा सिपाही कफन नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी गबन ईदगाह जैसी ना जाने कितनी रचनाओं में जिसने समाज को आईना दिखाया था। वही मिस पद्मा रचकर उसने आजाद ख्यालों को दर्शाया था। हिंदी उर्दू साहित्य में उसने जो आग लगाई, साहित्य जगत में अपनी एक अलग पहचान बनाई। भारतीय साहित्य जगत आज भी जिसका ऋणी है, हर युवक का जो प्रेरणा स्रोत है, उस प्रेमचंद को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। तुम्हारे जन्म दिवस पर हम तुम्हें स्मरण करते हैं। धन्यवाद।